28 जुलाई 2023 आज का मौसम। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के ताजा अपडेट की। क्या अपडेट है मौसम विभाग को लेकर, चलिए जान लेते हैं। यदि आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे अपडेट रहे आप सभी मौसमी खबरों से अपडेट। किस प्रकार से मौसमी सिस्टम है वर्तमान में जान लेते हैं। सुचिन्हित निम्न दबाव का क्षेत्र उत्तरी अक्षांश प्रदेश और इससे सटे दक्षिण ओडिशा पर बना हुआ है। संबंधित चक्रवाती परिसंचरण औसतन समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है और मानसून ट्रफ रेखा जैसलमेर, कोटा, गुना, जबलपुर और रायपुरा से होकर गुजर रही है, जो उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा पर एक अच्छी तरह से चिन्हित कम दबाव के क्षेत्र के मध्य स्थित है और फिर दक्षिण पूर्व की ओर पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है और एक और चक्रवाती परिसंचरण जम्मू और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। कतरनी क्षेत्र 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर चल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान तेलंगाना, विदर्भ, तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं कोंकण, गोवा, जम्मू कश्मीर, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, उत्तर पश्चिम राजस्थान और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, केरल, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। वहीं गुजरात, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, लक्षद्वीप और तमिलनाडु में हल्की बारिश देखी गई है। आने वाले 24 से 48 घंटों के मौसम की बात करें तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान तेलंगाना, विदर्भ, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश और तटीय कर्नाटक में मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गई या आने वाले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और उत्तरी पंजाब और हरियाणा में एक दो स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दक्षिणी छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, केरल, असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही गुजरात, झारखंड, दक्षिण हरियाणा, बिहार और दक्षिणी पंजाब, लक्षद्वीप, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। तो लेटेस्ट अपडेट था मौसम विभाग का। वीडियो को जैसे शेयर करें ताकि सब लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को, रह सके देश की सभी मौसमी खबरों के साथ काम की खबरों से अपडेट है।